नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जून दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2024 चुनाव में किसके साथ जा सकते हैं मांझी, एनडीए या महागठबंधन, किसके साथ जाएगी चिराग की लोजपा पार्टी। बीजेपी नेता के इस ट्वीट से महाराष्ट्र की राजनीति में मचा भूचाल। तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को लेकर कही ये बात। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को दे दी ये चुनौती। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की राजनीति की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 2024 चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर महागठबंधन या एनडीए किसके साथ जाएंगे मांझी। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक की चर्चा हर तरफ देखी जा रही है। अब इस बीच हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का विपक्षी एकता को लेकर बयान सामने आया है। दरअसल बीते ही दिनों जीतन राम मांझी बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात और कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक विपक्षी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उन्हें बैठक में बुलाया जाता है तो ठीक है और नहीं बुलाया जाता है तो भी ठीक है। वहीं 2024 के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 5 सीटों की मांग की थी। अब उनसे इस मांग को लेकर सवाल करते हुए पूछा गया कि यदि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती है तो क्या वह एनडीए में जाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने साफ कर दिया कि यदि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती है तो भी वो नीतीश कुमार के साथ ही हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर कही ये बात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक देंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह बयान नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर दी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान या अन्य समुदाय, सभी ने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन हमें कभी कभी भड़काऊ बयान भी सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिमों के वोट देने के अधिकार को खत्म कर देना चाहिए। आगे उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, कोई भी इस तरह का काम करने का साहस नहीं करेगा। यह देश किसी के पिता की संपत्ति नहीं है। एनडीए या महागठबंधन, किसके साथ जाएगी चिराग की लोजपा पार्टी। हर राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी राजनीति तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी भी पीछे नहीं। आगामी चुनाव को लेकर चिराग पासवान द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जहां उन्होंने आगामी चुनाव में महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे तब यह तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी किस महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। साथ ही उन्होंने वादा देते हुए कहा कि हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोजपा पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सुझाव से ही बनेगा। आरसीपी सिंह ने नीतीश और तेजस्वी पर साधा निशाना। कभी नीतीश कुमार और जदयू के करीबी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। दरअसल भागलपुर पुल हादसे वाले मामले को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि केवल पुल ही नहीं बल्कि सीएम नीतीश की छवि भी गंगा में समाहित हो गई है। आगे उन्होंने इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को नैतिकता के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वह जितने भी दिन कुर्सी पर हैं एक मूर्ति के रूप में हैं। अब उस मूर्ति में कोई आत्मा नहीं बची है। बिहार के लोगों को सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पुल गिरने की पूरी छानबीन होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी और उनके पदाधिकारी कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, डिजाइन फॉल्ट है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, तो यह किसको बता रहे हैं। आपके पास सत्ता है, आप जिम्मेदार हैं। यह सीधे सीधे सरकार की विफलता है, नीतीश बाबू की विफलता है। तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को लेकर कही ये बात। विपक्षी एकता की बैठक 23 जून को होने वाली है, लेकिन एक बार फिर से इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया है कि विपक्षी एकता को लेकर होने वाली यह मीटिंग बेहद खास और ऐतिहासिक होने वाली है, लेकिन जब तेजस्वी से यह सवाल किया गया कि 23 जून को प्रस्तावित विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में कितने दल शामिल हो रहे हैं, क्या इस मीटिंग में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आएंगे, इसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया है कि 15 दल विपक्ष में हैं, हम लोग 23 को मीटिंग कर रहे हैं, इसमें सभी दलों के मुख्य नेता ही शामिल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने केसीआर को लेकर कहा कि उनसे हमारी बात नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। अपने पदयात्रा के जरिए एक चुनावी रणनीतिकार से राजनीति के दुनिया में अपनी दिशा तय कर रहे प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार और उनके प्रशासन पर सवाल खड़े करते आए हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि जनता भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी से त्रस्त है, लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ विपक्षी एकता की ही फिक्र है।
आगे उन्होंने कहा कि अफसरों की मनमानी, सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में दलाली, ये तीन समस्या हर पंचायत, हर गांव में है। समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित है। वहीं इसके निष्कर्ष की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 27 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बने, उससे तो बिहार नहीं सुधरा, क्योंकि जब तक समाज में सचेतना नहीं आएगी, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आगे नहीं सोचेंगे, तब तक अच्छे लोगों का चुनाव नहीं होगा। जो लोग चुनकर आ रहे हैं उनके पास बिहार को सुधारने की योजना नहीं होगी, तब तक बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। ललन सिंह के मीट भोज को लेकर दिए गए बयान पर बुरे फंसे बीजेपी नेता सम्राट। अभी बीते महीने ही मटन पार्टी भोज का आयोजन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में आयोजित हुआ था, जिसे लेकर काफी सियासी हंगामा देखने को मिला। इस भोज को लेकर सम्राट चौधरी द्वारा कथित रूप से कहा गया था कि कार्यकर्ताओं के सम्मान भोज में शराब पार्टी हुई है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी सम्राट चौधरी द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जब सम्राट चौधरी के इस बयान का सबूत सम्राट चौधरी से ही मांगा गया, तो अब तक उन्होंने अपने इस बयान का कोई सबूत नहीं दिया है। सम्राट चौधरी अब अपने इस बयान को लेकर ही फंस गए हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। यह केस मुंगेर जिले के जदयू अध्यक्ष नचिकेत मंडल द्वारा किया गया है। जदयू जिला अध्यक्ष द्वारा इस मामले पर सम्राट चौधरी को लीगल नोटिस भी भेजने की खबर सामने आई थी। बिहार सरकार के मंत्री ने भाजपा को लेकर कही ये बात। देश में चल रहे विपक्षी एकता के अभियान को लेकर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। दरअसल जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से देश का विपक्ष गोलबंद हो रहा है। 23 जून को पटना में हो रही बैठक के लिए सभी की सहमति मिल गई है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के निरंकुश सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। इस दौरान परिवहन मंत्री शीला मंडल भी मौजूद थे। उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षियों की एकजुटता से भाजपा भयभीत हो चुकी है, अभी से इन्हें सत्ता जाने का डर सताने लगा है। राहुल गांधी को लेकर एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर द्वारा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा गया था कि उनकी आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को निशाना पर लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा की वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने आपको आपका मंत्री पद दिया। वही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विदेश मंत्री को पुरानी स्क्रिप्ट दे दी है और उन्हें अब एक नई पढ़नी चाहिए। आगामी चुनाव को लेकर ऐसे रणनीति बनाएंगे विपक्षी दल। विपक्षी एकता के इस कड़ी में पहली बार ऐसा होगा जब देश के 15 बड़े दलों के शीर्ष नेता एक ही मंच पर खड़े दिखेंगे। जदयू और राजद द्वारा यह जानकारी दी गई है कि 23 जून को होने वाली इस विपक्ष एकता की बैठक को लेकर सभी दलों से बातचीत हो चुकी है और सभी के सहमति से ही यह तारीख तय की गई है। इस विपक्ष एकता के मंच पर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर बात किया जाएगा, जहां वे बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके अनुसार 543 में 450 सीटों के खिलाफ इन 15 पार्टियों में से कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। यानी बंगाल में जिन सीटों पर ममता उम्मीदवार होंगे वहीं कांग्रेस उस जगह दखल नहीं देगी, और जहां कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे वहां ममता कैंडिडेट नहीं उतारेंगी। बता दें कि विपक्षी एकता का यही प्लान दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी चलेगा। बीजेपी नेता के इस ट्वीट से महाराष्ट्र की राजनीति में मचा भूचाल। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य नीलेश राणे के विवादास्पद टिप्पणी ने भूचाल मचा दिया है। दरअसल नीलेश राणे ने कहा था कि चुनाव नजदीक आते ही पवार साहब मुस्लिम समुदाय के लिए चिंतित हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि शरद पवार औरंगजेब के अवतार हैं। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी द्वारा कहा गया है कि नीलेश राणे की इस टिप्पणी पर वे जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे द्वारा यह मांग की गई है कि राणे को 24 घंटे के अंदर यह ट्वीट हटा देनी चाहिए, जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे राणे की बात से सहमत हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने भाजपा के नेता राणे से इस ट्वीट को लेकर महाराष्ट्र के लोगों से माफी की भी मांग की है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल को पार्टी की तरफ से मिली यह जिम्मेदारी। आगामी चुनाव से पहले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को पार्टी द्वारा एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल उन्हें लोकसभा की बजट समिति का चेयरमैन बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। बता दें कि बीजेपी द्वारा संजय जायसवाल को जिम्मेदारी आगामी चुनाव को देखते हुए सौंपी गई है। बीजेपी अब जायसवाल से यही आस रख रही है कि वे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में सफल हो पाएंगे।
सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को दे दी ये चुनौती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है, उनके कैरेक्टर और इतिहास को सब जानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने किसी का भरोसा नहीं जीता है, वे चिप्पी की तरह हैं जो पंचर बनकर काम चलाते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि देश की जनता को मजबूती से देश का विकास करने वाले नेता नरेंद्र मोदी चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि 14 दलों के पार्टियों में कौन प्रधानमंत्री होंगे यह घोषणा करके चुनाव में जाएं। वहीं लालू यादव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के आने से कुछ नहीं होगा, वे पहले से कई बार चुनाव हार चुके हैं। शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी। शरद पवार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले द्वारा जानकारी दी गई है कि शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार के नाम से मेरे व्हाट्सएप पर संदेश आया है, उन्हें एक वेबसाइट से धमकी दी गई है और साथ ही संबंधित अकाउंट से भी ऐसे ही संदेश आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मांग है कि ये जो गंदी राजनीति हो रही है वो रुकनी चाहिए। धमकी की खबर सामने आते ही सुबह के नेतृत्व में का शिष्टमंडल मुंबई पुलिस आयुक्त को मिलने पहुंचे और धमकी देने वाले के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। लालू यादव के जन्मदिवस पर हो रही है खास तैयारियां। लालू यादव का 76वां जन्मदिन 11 जून को होने वाला है, जिसे लेकर आरजेडी द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजद पार्टी लालू यादव के इस खास दिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने वाली है और पूरे राज्य भर में जमकर कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान गरीब और कमजोर लोगों को सामूहिक भोज भी करवाया जाएगा। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, प्रतीक आनंद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, अंशुप्रिया, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि विपक्षी एकता पर आपके क्या विचार हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।